शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार सप्तमी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र में ही चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, साहसी, प्रसिद्धि पाने वाले और शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। ऐसे जातक विदेश में रहने की कामना करने वाले, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले, पुरानी वस्तुओं तथा कलाकृतियों के प्रेमी, अत्यधिक सोच विचार कर कार्य करने वाले, सात्विक जीवन जीने वाले, महत्वाकांक्षी और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, राहु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज भी चंद्रमा की युति मंगल के साथ कुंभ राशि में ही बनी रहेगी, मगर नक्षत्र राहु का होगा, जिससे अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। प्रबल उत्साह और कार्य ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी, मगर नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें। दूसरे की सलाह हानिकारक सिद्ध हो सकती है। सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। साथ ही यात्रा के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। हालांकि कभी कभार मानसिक भ्रम की स्थिति और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है। हालांकि विभागीय सहयोग और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा समय समय पर बनी रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और हर काम के साथ मानसिक स्तर पर अनावश्यक चिंता, घबराहट, बेचैनी, कार्य क्षेत्र में रुकावट और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता और अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है। हालांकि साझेदारी लाभदायक रहेगी, मगर वित्तीय लेन देन में परेशानी महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। मौसम से होने वाले संक्रमण का अंदेशा बनता है। हालांकि आय संबंधी मामलों में प्रयास जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी, मगर व्यावसायिक स्तर पर उतार चढ़ाव संभावित है। कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। विभागीय सहयोग में कमी, मगर कार्य क्षेत्र में प्रतियोगी भावना विकसित होगी। ठीक ढंग से चलते हुए कामों में अचानक बाधा भी संभव है। आर्थिक लाभ आपके कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और कार्य क्षेत्र के प्रति सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। अचानक आर्थिक लाभ संभव है। आपके प्रयासों में सरकारी कामकाज और रुके हुए काम संपन्न होंगे और विभागीय सहयोग के द्वारा लाभ की संभावना भी बनती है, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वित्तीय सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक भावना, धार्मिक भावना बलवती होगी और आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के साथ साथ व्यावसायिक सावधानियां, संबंधित मामलों में वाद विवाद और कार्यों में रुकावट के साथ ही साथ विरोधियों से साजिश की संभावना और चोट चपेट लगने का संकेत मिलता है। चंद्रमा आज आठवें भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएं और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संयम के साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहें। हालांकि अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और आपसी सामंजस्य बनाए रखें। सिंह राशि के जातक सम्मानित किए जाएंगे। उपलब्धि हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आपका ऊर्जा स्तर और दृढ़ इच्छा शक्ति नई कार्ययोजनाओं के लिए मदद करेंगे। आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, मगर भ्रम की स्थिति आपके निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सावधानी अपेक्षित है। साझेदारी में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे, मगर आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हर काम करने के प्रति नकारात्मक विचारों का पैदा होना, स्वार्थपरता की भावना, आर्थिक लाभ में कमी और मौसम संबंधी संक्रमण से होने वाले खतरों का संकेत मिलता है।
हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज में सहयोग बना रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। भविष्य की योजनाओं के प्रति निजी निवेश की प्रवृत्ति बनी रहेगी और किसी समारोह में सम्मानित किए जाएंगे, मगर कुछ कार्यों में कूटनीतिक पहलुओं पर भी दिमाग केंद्रित होगा। भ्रम की स्थिति के साथ आत्मविश्वास प्रभावित होगा। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र में मिसाल कायम करेंगे और प्रयासों का दौर सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्यशैली में सुधार और रचनात्मक सक्रियता हर काम में सफलता दिलाएगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अतिरिक्त आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर अति आत्मविश्वास से पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। प्रयासों में बल मिलेगा, अधूरे काम पूरे होंगे और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, मगर मौसम संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह व दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर राहु का नक्षत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें। कुंभ राशि वाले जातकों का आज का समय सावधानी भरा होना चाहिए। पराक्रम बढ़ा रहेगा, प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ का संकेत मिलता है, मगर संबंधित कामों में महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। भाग्यवश कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार के साथ साथ खर्च की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे, मगर मन की नकारात्मकता और उत्साहीनता को दूर रखें। आपके हर काम संपन्न होंगे, साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रयास जारी रखें। यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।